हे व्हाट्सएप गाइस, शिव शांतनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक सांग। सो दोस्तों, आपको तो थंबनेल को देखकर ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube के कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक एंड कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। तो वो अगर आप वीडियो देख लेते हो तो उसके बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हो। उसके साथ साथ किस तरह से अपने चैनल पे कॉपीराइट को चेक करते हैं, यानी कि कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ भी आया है अपने चैनल पे या नहीं आया है, इसे कैसे चेक करोगे, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दिया हूँ। वो वीडियो भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसे भी जरूर देख लेना। ये दोनों वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इजीली आगे से बेहतर अपने यूट्यूब चैनल को हैंडल कर सकोगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट एक बहुत ही बड़ा झंझट है, तो कॉपीराइट के बारे में जरूर जान लेना दोस्तों। अगर आप कॉपीराइट के बारे में नहीं जानते हो तो दोस्तों आपको बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। सो कॉपीराइट के बारे में जरूर जान लेना। सो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों आपका कॉपीराइट आया है, वो कैसे चेक करते हैं। हाँ दोस्तों, यानी कि कौन कॉपीराइट ओनर है, क्यों आपको कॉपीराइट दिया है, कितने परसेंटेज वीडियोस के लिए अपना कॉपीराइट दिया है, कॉपीराइट आया है सो आपका उस वीडियो पे मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, किसी सॉन्ग के लिए आया है या किसी डायलॉग के लिए आया है, वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आज की वीडियो में मैं क्यों कॉपीराइट आया है उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जितने भी बिगिनर्स यूट्यूबर हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो दोस्तों, मेरा एक डेथ चैनल है, उस डेथ चैनल से मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सो मैंने चैनल को गूगल क्रोम से ओपन कर लिया है। सो चैनल के लोगों पे क्लिक करके यूट्यूब स्टूडियो में आना है आपको। तो सिंपली यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वीडियोस, इस वीडियोस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, थ्री डॉट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फिल्टर नामक। सो फिल्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कॉपीराइट क्लेम्स वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आप कॉपीराइट क्लेम्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके चैनल पे जितना कॉपीराइट वीडियोस होगा वो सबके साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। सो मेरे इस चैनल पे सिर्फ एक ही कॉपीराइट है, इसलिए मेरा ये वीडियो दिखा रहा है। सो अभी देखिए, ये वीडियो पे कॉपीराइट है। सो यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कॉपीराइट क्लेम। तो जब भी मैं कॉपीराइट क्लेम इस जगह पे क्लिक करता हूँ, इस जगह पे मेरे माउस के कर्सर को ले आता हूँ तो यहाँ पे सी डिटेल्स का एक ऑप्शन दे देता है। सो सिंपली मुझे सी डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और सी डिटेल्स ऑप्शन पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले बात जो है चैनल इम्पैक्ट। तो इस कॉपीराइट क्लेम के लिए मेरे चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो वीडियो है अभी तक पब्लिक हुआ है ये भी दिखा रहे हैं। इसके साथ इस वीडियो में मोनेटाइजेशन नहीं होगा, वो इन एलिजिबल है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है बोसार्ड स्केल्स हुसैन अली जस्मी। ये एक मेरा वीडियो है, इस वीडियो में कुछ सॉन्ग वगैरह है, गाना वगैरह, ये लिए इसके लिए यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन दे रहा है। मेरा एक छोटा सा सॉन्ग है इस वीडियो में और इस सॉन्ग पे ही कॉपीराइट आया है, इसलिए यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन दे रहा है। ये जो कॉपीराइट यूज है ये है बोसरेट खेर, ठीक है। उसका हुसैन अली जस्मी का एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग मैंने यूज किया था, इसीलिए कॉपीराइट है। वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज एड रेवेन्यू पेड टू कॉपीराइट ओनर, ये भी दिखा रहा है। ये वीडियो मोनेटाइजेशन नहीं है, अगर मोनेटाइजेशन हो जाता है तो इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कॉपीराइट ओनर को चला जाएगा, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिखा रहा है कि कॉपीराइट जो ओनर है उसका नाम है हुसैन अली जस्मी और यहाँ पे कॉपीराइट टाइम भी दिखा रहा है, ठीक है। 131 से 218 तक ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉपीराइट समरी हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप लर्न मोर करके मोनेटाइजेशन के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने किसी भी कॉपीराइट वीडियोस पे कॉपीराइट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कितने देर तक हुआ है, ये सब कुछ आप देख सकोगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं सिर्फ कॉपीराइट क्यों हुआ है, कौन दिया है, ये सब चेक करना सिखाया है। उसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में कॉपीराइट को कैसे हटाया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। सो आज का वीडियो यही तक। सो दोस्तों, आई थिंक आपने पूरा देखा और डिटेल्स में समझ गए हो। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। सो अभी दोस्तों, दो तीन दिन बाद मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपने चैनल से, अपने वीडियो से कॉपीराइट को हटाया जाता है।
हाँ दोस्तों, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।